मंदिर की घंटी, आरती की थाली, नदी के किनारे सूरज की लाली, जिंदगी में आए खुशियों की बहार, मुबारक हो आपको छठ का त्यौहार। छठ पूजा बिहार से निकलकर सारे राज्यों में फैली हुई है। बिहार राज्य में प्रमुखता से छठ पर्व मनाया जाता है। आयुष का है और ये रोहित का है। हमारा देश यानी कि भारत, भारत देश त्योहारों का देश। तो आज छठ पूजा है, मंगलमय शुभकामना। तो हम लोग जा रहे हैं अभी छठ घाटे, तो थोड़ा सा पीछे करके दिखाते हैं मानसी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबको आज छठ पूजा की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। तो एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। और हम सब भी रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं हम छठ घाट और दिखाते हैं आपको कि हम सेलिब्रेशन कैसे करते हैं अपने छठ पूजा को। तो चलिए थोड़ा सा सुबह से लेके वीडियो दिखाते हैं आपको कि हमने पूरा दिन क्या क्या किया। इधर आप तो अभी सारे छः हो गया है लगभग, और हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे खीर बन रहा है और रोटी बनेगा पूजा के लिए। हाँ, और आप तक रात तक जागे रहिएगा, हम लोग रात भर ठेकुआ बनाने वाले हैं। ये ना फैन है ना, मैं इसे तोड़ूंगा था ना। हाँ, ना वो तितरी मिलने हम दोनों तान ले। ओए उल्टा सीधा बोला ये, सीधा बोल, सीधा बोल। बाबरे, मुझे भी पूता नहीं यार। यार मुझे भी पूता करने दो। खुश रहिए, खुश रहिए, दोनों खुश रहिए। ये भी बोल दिया। अबे नाम इधर ना। आयुष पूजा करो। तो ये प्रसाद बन रहा है अभी, इसको आटे से बनाया जाता है। इसमें चीनी और बादाम वादाम डाला गया है और थोड़ी सी रिफाइन। तो इसको बनाने का प्रोसेस देखिए, ऐसे बनता है। हल्के हल्के हाथों से इसको पानी डाला जाता है, इसमें हाथों से इसको मिलाया जाता है। थोड़ा सही लगेगा, अब ज़्यादा नहीं। ठेकुआ के बिना छठ पूजा अधूरा है। छठ पर्व पर खास तौर पर ठेकुआ बनाया जाता है। छठ पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद के तौर पर ठेकुआ बांटा जाता है। रोहित, आप भी आ गए, नीचे मन नहीं लग रहा है, पूजा करने आए हो। छठ पूजा की जान है ठेकुआ। अगर इस व्रत में ठेकुआ प्रसाद ना हो तो छठ पूजा अधूरा
कहलाता है। ठेकुआ के बिना अधूरा है छठ का प्रसाद। क्या कर रहे हो रोहित? आप खेल रहे हो? अच्छे से हो जाएगा। डाल इसमें सोडा वोडा डाल। तुम पीछे तो हाँ उधर रखो, खोलो ना। रोहित आप बदमाशी क्यों कर रहे हो? अच्छे से नहीं बैठ सकते हो? नहीं बदमाशी नहीं करते ना, पूजा का सामान है ना ये। तो अभी हम छठ पूजा का ठकुआ बना रहे हैं, कल सुबह टाइम नहीं मिल पाएगा इसीलिए आज रात को ही कर रहे हैं। चलो नीचे आओ, उसको रख दो, चलो नीचे, डिस्टर्ब नहीं करो, आओ चलो, सब पूजा का सामान है इधर। रोहित आ जाओ, रोहित नहीं सुनोगे? रोहित को ले जाओ, रोबो भी चला देना। चलो रोबो भी लगा देती हूँ। रोहित आ जाओ, आ जाओ रोहित, रोबो भी चला के देखना। आओ आओ चलो चलो, आजा ना, सबका लड़का सोता गया है, सब सो गया लोग, ये बच्चा जगा हुआ है। चलो नहीं नहीं, ये अभी खेलेगा ये, है ना। चलो आओ, ये भैया सो गए, जो सुबह फिर मिल गए। आराम से खींचो, क्या और लिया? आयुष क्या कर रहे हो? आयुष इधर देखो, छोड़ दो रोहित, तुम छोड़ दो ना, वो अपने चलेगा, वो अपने आएगा। आप तो उठ के बैठ जाइए। तो आज छठ पूजा है, सुबह का 11 बज रहा है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं इसको। सब में एक एक करके चंदन लगाएंगे धीरे धीरे। सारे फल फूल को धो लिया है, बढ़िया।
सारा काम रेडी करके रखो ना। वेरी गुड, थम्स अप। वही ना बुआ के पास। ये आयुष पहनेगा आज शाम को, ये पहनेगा और सुबह में ये रोहित का कपड़ा है, आयुष का है और ये रोहित का है। तो अब शाम होने वाला है, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा तैयार और होने। छठ घाट जाने की तैयारी हो रही है और हम सब अभी रेडी नहीं हुए, हम लोग बाद में जाएंगे। ठीक है जाइए। ये रोहित भी जाएगा क्या? जाओ ले जाइए ना, फिर ले जाइए ना, दूध बुरा हो जाएगा। जा रहे हैं अभी छठ घाट पे।
जागरण भी होगा ना, जागरण में रहे। हमारा देश यानी कि भारत, भारत देश त्योहारों का देश है, जहां धर्म का अपना ही महत्व है, जिसमें से छठ पूजा सबसे महत्वपूर्ण पर्व कहा जाता है। छठ पूजा को आस्था का महत्व कहा जाता है। छठ का त्योहार खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, और हम बिहारी चाहे जहाँ कहीं भी रहें, हम अपने गांव वापसी जरूर आते हैं छठ पूजा मनाने के लिए। छठ महापर्व से हर बिहारवासी का एक गहरा जुड़ाव रहता है। छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना का खास महत्व माना जाता है। साल में दो बार छठ मनाई जाती है, पहली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को और दूसरी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को। यह पूजा 4 दिन तक चलती है, जिसमें 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ पूजा में सूर्य देवता की उपासना कर उनका अभिवादन किया जाता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, जिसका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमारे देश में कृतज्ञ होना सिखाया जाता है, जिसमें हम हर उस चीज के प्रति कृतज्ञ हैं जिसने हमारे जीवन में अपना योगदान किया। उसी तरह छठ पूजा के जरिए हम सूर्य देवता को धन्यवाद देते हैं। यही एक कारण है कि हम भारतवासी भावुक होते हैं। हमें हमारे धर्म से ही कोमलता का भाव मिलता है, और यही भाव हमें दिल से एक दूसरे का बनाता है, और यही भाव हमें जीवन से जुड़ी हर सजीवन और निर्जीव वस्तु का महत्व बताता है। छठ घाट पे आ गए हैं। ये देखिए बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, और आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया है, कल उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे सुबह में। Yeah.
तो अभी हम छठ घाट से आ चुके हैं और टाइम हो रहा है 8 बज रहा है टाइम, और मेरे रोहित और आयुष दोनों सो गए हैं, थक गए थे, बहुत थक गए थे। देख रहे होंगे मेरे रूम का क्या हालत हो गया है, ऐसे ही होता है त्योहारों में, ऐसे ही होता है। तो रात को चलेंगे, आज छठ पूजा का जागरण भी होगा तो रात को चलते हैं हम, तो आपको दिखाऊंगी वहाँ पे क्या क्या होगा। छठ पूजा के दिन ही नदी के किनारे मनोरंजन करते हैं, कोई सरस्वती बनता है तो कोई हनुमान बनता है, अलग अलग रूप में सब अपने तरीके से मनोरंजन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं।